हेलो, सिनेमा फॉर अ कॉज की प्रस्तुति टेक्स एंड टॉक्स श्रृंखला की आज की कड़ी अभिव्यक्ति में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब हमारे आज के मेहमान को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना इस कहावत में थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाए, क्यों ना हम कुछ ऐसा कहें, चाको काटे थिएटर का कीड़ा काट सके ना और कोई। अब जो हमारे आज के मेहमान को अच्छी तरह जानते हैं, उनके अभिनय जीवन से जो लोग वाकिफ हैं, उन्हें तो पता है मैंने यह क्यों कहा। और जो उनके बारे में और भी अच्छी तरह जानना चाहते हैं, उनके अभिनय जीवन के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम एक सुनहरा मौका है आप अपने पसंदीदा अदाकार को अच्छी तरह जानने और सुनने। तो फिर वक्त जाया किए बगैर आइए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, छोटे व बड़े पर्दे तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ अभिनेता श्री रमेश चंद्र पाठक जी का। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे नमस्कार। हैं आप? बस ठीक हूं। ऊपर वाले की अनुकंपा है मेरे ऊपर। हंस रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, आपसे बातें करने जा रहा हूं। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों को और भी आनंद दीजिए, आनंद पहुंचाइए। हम तहे दिल से हम यही कामना करेंगे। तो उम्मीद भाई है आज की शाम। मैं तो एक छोटा आर्टिस्ट हूं, लोगों के मनोरंजन यानी मनोरंजन मनोरंजन के लिए ईश्वर ने मुझे इस जमीन पर उतारा हुआ है, और शायद मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों का मनोरंजन करता हूं। बिल्कुल, ये तो कहते हैं ना, आपका बड़प्पन है, आपने मतलब ऐसा कहा है, इस तरह से आप सोचते हैं। और उम्मीद है आज की शाम आपके साथ बहुत अच्छी तरह से हम बिताएंगे, अच्छी अच्छी बीतेगी आज की शाम। सो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी बैकबोन ऑफ आवर सिनेमा फॉर अ कॉज, द आइडिएटर एंड मॉडरेटर ऑफ आवर टेक्स एंड टॉक सीरीज, नन अदर देन मिस्टर अभिषेक गंगोली। हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर गांगुली। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा। सलाम रमेश चंद्र पाठक जी, इट्स सो नाइस टू सी यू टुडे इन आवर शो। फैंटास्टिक, माने दिस विल बी अ मेमोरेबल शो आई एम श्योर। एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन व्हिच शर्मिष्ठा गेव, दैट यू आर बिटन एंड स्मिटन बाय द बग फ्रॉम द स्टेज एंड थिएटर। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट दैट्स योर ऑक्सीजन, दैट्स योर रियल लाइफ फोर्स व्हिच हैज टेकन यू सो फार। यस शर्मिष्ठा। Yeah, very true. So before we start, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, टेक्स एंड टॉक्स इज योर वेरी ओन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, सो प्लीज पार्टिसिपेट करना बिल्कुल न भूलें। आपके रिएक्शंस, आपके मूल्यवान सुझाव और सजेशंस हमें जरूर भेजें। यू कैन ऑल्सो सेंड योर क्वेश्चंस टू पाठक जी, विच विल बी ड्यूली आंसर्ड बाय हिम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अभिषेक गांगुली, मिस्टर गांगुली से आग्रह करूंगी कि वे पाठक जी के बारे में चंद शब्द कहें। ओवर टू यू मिस्टर गांगुली। You know, you cannot really describe this personality in small words or, little words. I have the entire biodata in front of me, and he's a man who has, been shining for over 40 years in stage, on television, on films, and now in OTT. You just switch it on, and Mr. Pathak is there. An amazing personality. What a voice. What expressions. But still, I'll just, in a very small time, I'll just go through some highlights of his entire biodata. He's had over 40 years' experience in acting and singing. He's a fantastic singer too, as a theater artist, and a very shining career in films and television serials, and now a hot property in the OTT platforms. He has been performing in plays as a stage artist all over India since 1978. And he has also worked in Mahua Channel, Doordarshan, Big Magic Channel, Life OK Channel in the Savdhan India episodes, and in ETV Channel Taftish episodes. Pathak ji is a guest faculty for theatre workshops in India's biggest private sector university, Lovely Professional University of Jalandhar, Punjab.
And if you just talk about his films, the list goes on and on, but still I'll just, go through it. His first movie was as a mukhiya in the film Andolan with Sri Surendra Pal Sharma, Ishan Khan, Ehsaan Khan, Bhai Mushtaq Khan, which was released in 2006. Second movie was Dher Ishqiya with Sri Vishal Bharadwaj, a very famous name, with Sri Vijay Raj, very, very good actor, character actor, as a police inspector. Dhoomketu was the third movie with Sri Anurag Kashyap, a very big name in parallel cinema. And the actor, co-actor was Sri Raghuveer Yadav as his brother-in-law of Sri Yadav. Fourth film was Gandhigiri with Sri Sanjay Mishra as with Mr. Late Sri Om Puri as a political leader. Pataji was telling me just during the rehearsals of this, he loves to play political leaders' roles. It gives him a lot of satisfaction. Neel Bhatte Sannata was another film, fifth film. Gang of Bihar as a Gram Pradhan with Dilip Arya. Ans with Anish Bazmi Saab. Kareem Chacha, Raid. In one film with Sri Rajkumar Gupta in Raid, he essayed the role of Chief Minister with Sri Saurabh Shukla. His ninth movie was Fair in Love with Sri A.K. Mishra as Vedant Ji, which is under post-production. Tenth movie, Cheat India with the hottest star of films, the man who kisses every heroine, Imran Hashmi. Of Thakur Ganj with Jimmy Shergill and Kagaz again with Satish Kaushik. Some of the recent movies have been Pind Dhan with the fascinating actor Nasiruddin Shah. He's also done a lot of web series, also television commercials. So Pathak Ji, in a nutshell, is an amazing package of histrionic talents, expressions, singing, and he's a mentor. He's a guru for so many artists. He's an inspiration for people who would like to make it big in the world of stage, showbiz, acting, stage, cinema, and OTT. So this is what Sri Pathak is for us. We are so honored that we have him in Takes and Talks. Thank you so much, Pathak Ji. Over to Sharmishta. नमस्कार, थैंक थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर गांगुली। तो अभी हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं दर्शकों से फिर अनुरोध करूंगी, आप अपने सवाल भेजिए। मैं ऐसे तो कुछ सुझाव आ रहे हैं, कुछ कुछ कमेंट्स मैंने अभी अभी देखा है, डिस्प्ले भी किया है। सो प्लीज अपने सवाल पूछिए पाठक जी से, जिनका जवाब वो शो के अंत में देंगे। सो पाठक जी, हम लोग ये कार्यक्रम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं हमने लाइटर नोट। आप कृपया बताइए कि आपके मुताबिक एक संपूर्ण अभिनेता किसे कहा जाता शर्मिष्ठा जी, संपूर्ण अभिनेता वही होता है जो अपने जीवन के, समाज के अंदर जितने सारे करेक्टर एक आदमी जीता है, पैदा होने से लेकर के अपनी मृत्यु तक सारे करेक्टर को बखूबी निभा पाए, सारे रिश्तों को बखूबी स्टेज पर निभा पाए, सारे रिश्तों को बखूबी कैमरे के सामने दिखा पाए, वही एक संपूर्ण कलाकार, एक्टर, आर्टिस्ट होता है। शर्मिष्ठा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक्टर नहीं हूं, ना ही मैं स्टार हूं, मैं एक सिंपल आर्टिस्ट हूं। मैंने अपनी जो यात्रा है एक थिएटर से शुरू की है, और आज जिस मुकाम पर हूं, थिएटर की बदौलत हूं। थिएटर एक वायरस है जो मेरे अंदर घुस चुका है, वो कभी निकलने वाला नहीं। थिएटर का वायरस, मैंने सोचा थिएटर का कीड़ा, उसी को लेकर के कार्यक्रम शुरू किया जाए। पाठक जी, जी ये जो अभिव्यक्ति की कला, जो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशंस जिसे हम कहते हैं, इस पर आपने महारत कैसे हासिल की? श्रमिष्ठा जी, मैंने थिएटर में अपने आप को ढालने के लिए, मुझको जो भी थिएटर के डायरेक्टर द्वारा जो भी किरदार दिया जाता था, मैं उस किरदार को उस इन्वायरमेंट में जाकर के देखता था, सुनता था, लोग किस तरीके से, मेरे किरदार के लोग वहां पर किस तरीके से अपनी दिनचर्या करते हैं, कैसे अपना आपस में वार्तालाप करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं।
उनके सारे क्रियाकलापों को देखने के बाद मैं वो स्टेज पर आकर के उतारता था, कोशिश करता था, तो 60-70% तक उतारने में मैं कामयाब हो जाता। मैं वहीं से इंस्पायर हूँ, और मुझे जो भी आजकल भी जो फिल्मों में रोल दिया जाता है, मैं उसे उस रोल को, सपोज कर लीजिए मैंने चीट इंडिया में बैंक मैनेजर का रोल किया, तो मैं 2-3 घंटे जाकर किसी बैंक मैनेजर के पास जाके बैठ जाता हूँ, उसका बोलने का स्टाइल, उसका काम करने का लहजा, उसका लोन लेने का देने का लहजा किस तरीके का है, उसको सीखने का प्रयास करता हूँ, और फिर जाकर के कैमरे के सामने हूबहू वही करता हूँ जो एक बैंक मैनेजर करता है। अच्छा एक बात बताइए, इसी से मुझे एक दूसरा सवाल मेरे जहन में आया कि यू आर अ वेरी मेथड एक्टर, क्योंकि इसे कहते हैं ना डेडिकेशन, जो आपका डेडिकेशन है एक कैरेक्टर को किस तरह से पूर्ण रूप में आप इसमें अपने आप को तराशने की कोशिश करते हैं, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो लेकिन ऐसा भी तो कभी कभार होता है ना पाठक जी, आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो कि आम जीवन में दिखता नहीं है, या फिर ऐसा कोई ठीक है, किरदार, जैसे ऐसा कोई किरदार जैसे कि बैंक मैनेजर तो फिर भी चलिए ठीक है, अवेलेबल है, आपने परमिशन लिया उनसे, आप उनके साथ बैठे, आपने देखा कि वो अपना ट्रांजेक्शन अपना काम कैसे करते हैं, लेकिन जी हाँ, अगर ऐसे किरदार है जिनको जिनको एक्सेस करना, जिनके पास जिन जिन तक पहुंचना आपके लिए मुमकिन नहीं होता, तो उस वक्त आप किस चीज का सहारा लेते हैं अपने अभिनय को एकदम टू द पॉइंट, एकदम अप टू द पॉइंट सुनिष्ठा जी, उस लेवल तक ले जाने के लिए? जहां तक सो फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, अभी तक मूक पिक्चरों यानी मूक फिल्मों से लेकर के बोलती हुई ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फिल्मों तक जितनी भी स्टोरी राइट की गई हैं और जितने भी उसके अंदर किरदार पैदा किए गए हैं, वो हमारे समाज के अंदर होते हैं। ऐसा कोई भी किरदार नहीं होता है जो हमारे समाज के बाहर का हो। अगर ऐसा होगा तो वो फिक्शन होता है। अब भगवान को तो हमने देखा नहीं है, ले भगवान की एक्टिंग मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान की एक्टिंग तब तक नहीं कर सकता मैं जब तक भगवान को देखूंगा नहीं, और वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी किरदार हमारे समाज के अंदर है, मैंने बताया ना कि बचपन से लेकर के आदमी की शव यात्रा तक जितने भी लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, बचपन में देखिए, एक सबसे पहले जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके यहाँ थर्ड जेंडर, थर्ड क्या नाम है, ट्रांसजेंडर भी आता है जी नाचने के लिए, तो वो भी एक किरदार है, वो भी एक बिल्कुल किरदार है, मैं उसे भी देखता हूँ। अगर कभी मौका मिला तो, अगर मुझे दिया जाएगा तो मैं वो भी करने में सक्षम हूँ। तो शर्मिष्ठा जी, इन पिक्चर में और मूवीज में और फिल्म लाइन के अंदर या थिएटर में, किसी भी स्टोरी में उठा के देख लीजिए, किरदार वही होते हैं जो हमारे समाज के अंदर होते हैं। वो चाहे मैथोलॉजिकल हो, चाहे आज के सोशल हो, चाहे सपोज करिए मिलिट्री टॉपिक पर हो, चाहे पॉलिटिकल टॉपिक पर हो, तो जो भी किरदार होंगे वो हमारे समाज के अंदर होंगे। और अगर मेरे समाज के अंदर कोई किरदार है तो शायद मैं वहां तक पहुंचने का मेरा 80-90% प्रयास होगा, और मैं उसे अपने किरदार में उतारने की क्या बात पूरी है, कोशिश। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अभिनय जीवन में क्या आपके कोई रोल मॉडल या गुरु रह चुके हैं जिनको आपने फॉलो किया है? मैंने कहा ना मेरी सिंगिंग, मेरा मैं एक्चुअली मेरे फादर सिंगर थे, जो बैंकॉक में भोजपुरी गाया करते थे। तो गांव में आते थे तो उसमें एक फाग गाया जाता था, पीछे उनकी उंगली पकड़ के चला जाता था, सुनता था। तो मैं फाग सीख गया धीरे धीरे, भोजपुरी गाना, फोक फोक सीख गया, मैं चैता गाना, चैती गाना सीख गया, इसी तरीके से रीजनल लैंग्वेज के। फिर बाद में क्या हुआ कि मैं, मेरे ऊपर कुछ सरस्वती माँ की कृपा है कि मैं ताल नहीं तोड़ सकता, चाहे मुझे कोई कितना भी घुमाने की कोशिश करे, बेशक राग बे भटक सकता हूँ, लेकिन मेरी ताल नहीं को तोड़ सकता है, ये मुझे गॉड गिफ्ट है। तो उस ताल की पंक्चुअलिटी की वजह से मुझसे आप एब्यूजिंग भी करवा सकते हैं रिदम पर। मैं इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखता हूँ, अगर एब्यूजिंग कराना है वो भी मैं रिदम में ही करूंगा। तो ये तो हुई संगीत की शिक्षा। अब रही एक्टिंग वाली बात, एक्टिंग में मैं जो सबसे ज्यादा इंस्पायर हूं वो पुराने कलाकारों में हूँ, उसमें सोहराब मोदी जी हैं, पृथ्वीराज कपूर जी हैं, और मैं इस मतलब मेरा जो आइडियल जो है वो बलराज साहनी जी हैं, जो नेचुरल एक्टिंग करने वालों में रहे हैं एकदम। एक हमारे जो आपके बीच में परिवार होता है, जो हमारे समाज के अंदर एक फैमिली होती है, उसके अंदर का जो किरदार होता है उनसे अच्छा कोई नहीं निभा सकता था, मेरी जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है। इसके बाद अब आपके गांव के अगर प्रदर्शन में आते हैं
तो नासिर हुसैन साहब, मुझे याद है गंगा मैया तो है, पियरी चढ़ाई, वो जो भोजपुरी फिल्म थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो पटना में अपने प्रयासों से वो पहली भोजपुरी फिल्म बनवाई थी, उसके अंदर उनका एक डायलॉग था नसीर साहब का, कि यही भरकुआ में भरुका माने कुल्हड़ जिसमें चाय पी जाती है, यही भरकुआ में हमार सज्जी खेतिया बरिया बुढ़ा गई। और उसमें ताली पीता था वो, ताली यानी ताड़ की रस। तो वो ताली जो होती थी पुराने जमाने में, उस समय में जो जो ताली पीता था उसको अच्छा नहीं कहा जाता था, तो ताली महंगी मिलती थी, वो पी पी करके अपना खेत बाड़ी बेच करके वो सब अपना घर बर्बाद कर लेते थे, जैसा कि आजकल लोग शराब पी करके करते हैं। उस समय ताली पीते, शराब नहीं कोई पी पाता था उतना गाँव में। तो कहने का हमारा मकसद यह है कि वो उस परिदृश्य को इतना बढ़िया जीते थे, क्या नाम है, तो मैं तो उनसे कायल था, मैं उन्हीं के, जबकि उन्होंने कहीं एक्टिंग सीखी नहीं थी और कुछ गॉड गिफ्टेड था, मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ। Born actor. Okay. अभिनय का कौन सा माध्यम आपके मुताबिक ज्यादा मुश्किल है, रंगमंच या ऑडियो विजुअल? देखिए, रंगमंच का तो कोई विकल्प ही नहीं है। आदमी को अगर जिंदा रहना है तो दो चीजें उसे अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, एक संगीत और एक रंगमंच। संगीत आदमी की मेडिसिन है, उसकी दिमाग को दुरुस्त रखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को सही रखता है, उसके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है, उसकी सोच को सही रखता है, उसकी जुबान को सही रखता है, उसकी हर चीज को सही रखता है। और रही रंगमंच की बात, उसका कहना ही क्या, आप हंस भी लेते हैं, रो भी लेते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, विस्मयता भी होती है, डर भी जाते हैं, लोगों को डरा भी देते हैं, क्रोध भी आता है, नौ रस संपूर्ण आपके अंदर समावेशित होता है, ये है रंगमंच। रंगमंच, हम और सभी रंगमंच के कलाकार हैं। इससे बढ़िया सुखद अनुभव किसी की जिंदगी में अगर है तो सिर्फ रंगमंच ही है, वही जी सकता है, बाकी जिसने रंगमंच नहीं किया है उसने, उसकी जिंदगी अधूरी। एक कलाकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अभिव्यक्ति, अलग अलग अभिव्यक्तियों पर महारत हासिल करना। आप अलग अलग अभिव्यक्तियों के लिए कैसे खुद को तैयार करते हैं? अब देखिए शर्मिष्ठा जी, जब मुझे कहा जाता है कि ये आजकल का एक ट्रेंड निकल गया है, मैं फिल्म लाइन की बात कर रहा हूं, कि जी एक शब्द है ऑडिशन, तो डायरेक्टर पहले हुआ करते थे, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे, वो किसी पार्टी में जाया करते थे, किसी एक आदमी को देखते थे कि वो कैसी हरकतें कर रहा है, तो उसको किनारे बुलाकर ले जाते थे कि बेटा मेरी फिल्म में काम करोगे उसकी हरकत देख करके। तो अगर उसकी इच्छा होती थी तो बोल देता यस सर मैं करूंगा, और नहीं होती थी तो बोलता सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको फिल्मों में काम करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, और अगर वो शौकीन था तो वो फिल्मों में वो कह देता यस सर, तो कहता था आइए मेरे बंगले पे आ जाइए। तो उसके बॉडी लैंग्वेज, उसकी फिजिक, उसकी बातचीत के स्टाइल, उसकी कद काठी और उसकी क्या नाम है इंटेलिजेंसिया के हिसाब से उसको एक करेक्टर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दे देता। और अब आज क्या होता है, आज का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। यूं कह लीजिए मेरी भाषा में कि जिसको एक्टिंग करना नहीं आती है वही एक कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है, वो एक प्रकार से ब्रोकर है, किसके बीच का, मेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्लस कास्टिंग डायरेक्टर के बीच में एक आर्टिस्ट का ब्रोकर है। वो करता क्या है वो अपना पेट पालने के लिए हमारा रिकमेंडेशन करता है, और वो मैं फिट बैठूं या न बैठूं, वहां से हटा दिया जाऊं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी समझ में आजकल के जो बिचौलिया कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो सही ढंग से ऑडिशन से किसी किरदार को सेलेक्ट कर नहीं पाते, और जब सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर होता क्या है, आर्टिस्ट को मजबूरन वहां जा करके जो उसकी मर्जी में आता है वो करना पड़ता है, बकवास फिल्में बन करके आपके सामने आ जाती है। देखिए सही। अच्छा किरदार जो इंस्पायर जो हमको करता है, यूं करता है, सपोज कर लीजिए जब महाभारत की कास्टिंग हो रही थी उस समय बी आर चोपड़ा साहब चोपड़ा खुद बैठे, वाली। यस चोपड़ा साहब खुद बैठे हुए थे, उनका जो स्क्रिप्ट राइटर खुद बैठा हुआ था, आर्ट डायरेक्टर खुद बैठा हुआ था, इवन दे म्यूजिक ऑर्गेनाइजर भी खुद बैठे हुए थे, ये लोग गुफी पेंटल केवल कोऑर्डिनेटर थे उनके, तो ये लोग सिर्फ इस बात को देखते थे कि अरविंद त्रिवेदी रावण का रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनसे बुलवाया गया कि बोलिए सब करिए, तो तब जाकर के किसी आर्टिस्ट का वो बिल्कुल
अगर हमें सपोज कर लीजिए मोची का रोल करना हो, कैन इट बी पॉसिबल फॉर मी? नो, क्यों? मैं दुबला पतला तो हूं नहीं, मेरी हड्डी तो निकली नहीं है, मरियल तो हूं नहीं, मेरी मतलब जो बॉडी की हमारी काठी है वो उस लायक नहीं है, तो मैं जबरदस्ती करूंगा ना, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा उस किरदार के साथ। या गरीब बूढ़े किसी किसान का जो हल जोत रहा है, उसकी पेट में आंत नहीं है और हड्डी दिख रही है, वो तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो या तो सेठ का करूंगा, या बाप का करूंगा, या चाचा का करूंगा, या वकील का करूंगा, या डॉक्टर का करूंगा, या मजिस्ट्रेट का करूंगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस प्रकार के जो रोल मुझे दिए जाते हैं तो मैं उसमें सिद्ध हस्त हूं, मुझे वो समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और मैं फिर उसको अच्छी तरीके से उसमें घुस करके उस रोल को कैमरे के सामने उतार देता। पाठक जी, बातचीत का ये सिलसिला, ये क्रम तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच हम आपके अभिनय जीवन की कुछ झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं, आइए। सिनेमा फॉर अ कॉज द्वारा प्रस्तुत टेक्स एंड टॉक्स श्रृंखला की अगली पेशकश है अभिव्यक्ति, जहां हम मिलेंगे पिछले 4 दशकों से रंगमंच तथा छोटे व बड़े पर्दे और हाल में OTT प्लेटफॉर्म में भी अपने अभिनय के जादू से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले वरिष्ठ अभिनेता श्री रमेश चंद्र पाठक से। हम चुप नहीं बैठेगा, हम करेगा, जरूर कुछ करेगा इन लोगों के लिए। जिन्होंने अलग अलग किरदारों में जान डालकर खुद को बार बार तराशा है। बाबूजी जी, घर की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो जाइए काम शुरू कीजिए। बुधवार रात 8 बजे सिर्फ फेसबुक लाइव पर टेक्स एंड टॉक्स की अगली कड़ी अभिव्यक्ति। अगर वक्त होता तो हम आपके अभिनय जीवन की कुछ और झलकियों पर भी गौर करते। वैसे पाठक जी, आप जरा बताइएंगे हमें कि एक अभिनेता में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली अभिनेता के लिए यही सबसे ज्यादा क्रूशियल क्वेश्चन होता है। अभिनेता का प्रथम गुण ये होना चाहिए, उसे मिलनसार, व्यवहारिक, नम्र, और कभी भी उसके अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं आना चाहिए। यदि इन सब चीजों को वो आत्मसात करता है तो संपूर्ण कलाकार कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। स्टारडम की दुनिया में जब कोई भी एक्टर, मैंने आर्टिस्ट नहीं कहा, एक्टर जब इस विधा में कदम रखता है, इस सिल्वर सेलुलाइट स्क्रीन की दुनिया में, तो शुरुआत में तो जब वो स्ट्रगल करता है तो लोगों के सामने हाथ यूं करता है कि मुझे काम दो, लेकिन शनै शनै जैसे उसको काम मिलता जाता है और उसकी पब्लिसिटी होती जाती है और वो दिखने लगता है, बिकने लगता है, तो उसकी रेटिंग होने लगती है, और जब उसकी रेटिंग होने लगती है तो उसको लगता है कि अच्छा मैं सेलेबल हूं, तो अपने रेटिंग करने लगता है। जब वो अपनी रेटिंग करने लगता है तो फिर उसके अंदर बगल से जो उसका भाई बचपन में छूट गया था, उसका नाम ईगो है, वो आकर के बगल में उससे हाथ मिला के उसके साथ खड़ा हो जाता है। फिर वो जो बीच में ईगो खड़ा हो जाता है, वो आम आदमियों को, उसके खुद के फैंस को उस तक पहुंचने नहीं देता है। तो अब एक तरफ तो खड़ा हो गया उसका ईगो, और उसका चचेरा भाई एटीके वो इधर दाहिने हाथ पे आके खड़ा हो गया। तो एक आम आदमी सिर्फ एक स्याही का सिग्नेचर के लिए अगर भी उसके पास जाता है तो बड़ी मुश्किल से स्याही वो गिराता है। ये हो जाती है उसकी स्थिति। कमोबेश फिर वो शायद एक आर्टिस्ट नहीं रह जाता है, कलाकार नहीं रह जाता है, वो प्रोफेशनल, टोटली प्रोफेशनल पर्सन बन जाता है। और मैं इन सब चीजों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं इन सब चीजों को कभी भी प्रेशर नहीं देता। कलाकार वो है जो आम लोगों का है, खास लोगों का जो नहीं है,
मैंने तो कला सीखने के लिए हाजीपुर में जाकर के भिखारी ठाकुर की नौटंकी देखी थी, बेटी बिचवा, रात में 12 बजे घर पे लौट के आया था। पेट्रोमैक्स होता उसको उल्टा लटका करके महुआ के पेड़ के नीचे दरी बिछा कर ढोलक बजा करके नौटंकी गाई जाती थी, वहां पर बिरहा गाया जाता था, पूर्वी गाया जाता था। तो इसीलिए क्या नाम है, भिखारी ठाकुर को बिहार में जो है उनको शेक्सपियर बोला जाता है, और उनके नाम से पटना में एक एकेडमी भी खुली हुई है। तो मैंने वो देखा है, मैंने वहां से सीखने का प्रयास किया है कि किसी भी विधा को किस तरीके से सीखा जा सकता है। दूसरी बात आपको मैं अभी तक मैंने नहीं आपके सामने बताया, मैं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी विधा जिसको नौटंकी कहा, लोग बोलते जरूर नौटंकी मगर क्या होती जानते नहीं है। मैं आज आपको उससे, जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरे दर्शक हैं, आप हैं और गंगोली दादा हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि नौटंकी क्या है। पूरे हिंदुस्तान में दो शहर हैं ऐसे, एक हाथरस जिसका नाम है और एक कानपुर। दो प्रकार की शैलियां होती है नौटंकी की। नौटंकी वैसे शुरू पंजाब से हुई और मांड गाया जाता है राजस्थान में, लेकिन प्योर नौटंकी जो है कानपुर और हाथरस की, हाथरस की भी विलुप्त हो गई है, अब कानपुर की नौटंकी रही, वो भी शनै शनै धीरे धीरे जो है वो भी विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, क्योंकि केवल उसको गवर्नमेंट एड दे रही है, पब्लिक इसको कतई पसंद नहीं कर रही है, इसको कभी भी जो है ये क्योंकि अपनी पुरानी विरासत है इधर जाना नहीं चाहिए। ये गांव बरातों शादी बरातों तक सीमित रह गई है, जब से टेलीविजन घर में आ गए हैं, जब से फिल्मों का प्रचलन चल गया है, अब तो पीवीआर भी बंद होने की कगार पे आ गए, जब से ओटीटी आ गया है, तो ये प्रोग्रेस या चेंज नेचर और इस तरीके की जो हालात बनते जा रहे हैं, पुरानी जितनी भी कलाएं हैं इनकी जो है स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। अब पुरानी कलाएं धीरे धीरे आईसीयू में जा रही हैं, उनके इलाज की बहुत जरूरत है। नौटंकी क्या होती है? आपने शायद गुलाब बाई जी का नाम नहीं सुना हो, मैं बता दे रहा हूँ। गुलाब बाई वो नौटंकी अदाकारा थी जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा, और वो हमारे लखनऊ दूरदर्शन केंद्र में वहां की ब्रांड है। उनकी बेटी है मधु अग्रवाल, जो जब कभी नौटंकी हम लोग करते हैं ग्रैंड प्रोग्राम दिल्ली में जाके तालकटोरा स्टेडियम में करते हैं, या कलकत्ता में करते हैं, सिलीगुड़ी में जाकर के वेस्ट बंगाल में, वो मुझको ले जाती है डायरेक्शन के लिए सिर्फ, क्योंकि लोगों को ये दिमाग में है कि नौटंकी वो लड़कियों का नाच है, ये है वो है इस तरीके का। मैं ऐसा कैसे ही पसंद नहीं करता हूं। मैं शर्मिष्ठा जी जहां खड़ा होता हूं, एक साफ सुथरा मनोरंजन पब्लिक को देने के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। कोई वल्गर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का ऐसा नहीं होनी चाहिए ताकि नीचे बैठी हुई ऑडियंस हमसे गलत संदेश और सबक लेकर के जाए। तो हम उनका सिर्फ मनोरंजन करते हैं गानों से, एक्टिंग से, कॉमेडी से, जो कुछ भी हमारे पास रहता है। तो वो नौटंकी विधा जो होती है उसमें कई तरीके की स्टाइल होती है गाने की, बहर तबील, छंद, लावनी, तोड़, इस तरीके की गायकी होती है, दोहा, चौबोला। ये गायकी बिल्कुल अपनी जो संगीत की दुनिया से हट करके है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर राग नहीं है, ताल नहीं है, लेकिन इसमें नकारा यूज होता है, पैर वाले हारमोनियम यूज होते हैं, और जो गायक होता है, इसका सिंगर होता है, उसकी पिच लता मंगेशकर की तीसरे शतक से ऊपर होती है, वहां पर जाके गाता है, उसी आवाज में गाया जाता है। तो इसका मैं एक आपको अगर कहे तो एक सैंपल दे सकता हूं, एक आपको सैंपल दिखा दूंगा कि तरीके से गाया जाता है। हेलो जी, हाँ जी, प्लीज प्लीज। तो अगर आप कहें तो मैं इसका एक सैंपल आपको दे दूं, एक सैंपल बता जी, सकता हूँ। हाँ हाँ जरूर। गायने गायने की स्टाइल क्या होती है जी? तुम अगर मुझको चाहोगे इस भी कदर, मैं भी तुमको ये चाहूंगा इस भी कदर, देख लेना मुझे चाहना इस कदर, तुम इधर भी रहो मैं उधर भी इधर। ये है आपकी तभी, ये तरीका होता है उनका, उस पर नकारा बसता है और उसका सम उपम नहीं होता। के बाद इसमें गजल होती है, तमाम सारी विधाएं हैं गाने की। तो नौटंकी विधा कानपुर में अभी थोड़ी बहुत जिंदा है, और जिंदा क्यों है, वो इस वजह से जिंदा है कि जब किसी को इस विधा की जरूरत पड़ती है तो ये खादिम जो आपसे बात कर रहा है इसको ले जाया जाता है, और ये मजबूरन वहां पर नौटंकी करता है। नौटंकी पर अधिक जानकारी के लिए हम एक और कार्यक्रम वहां पे आपको जरूर बुलाएंगे,
विस्तार से जानेंगे नौटंकी के विषय में, क्योंकि ये एक है ना हमारी विरासत है, ऑफ कोर्स जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। पाठक जी एक बात बताइए कि एक रंगमंच के एक अभिनेता के तौर पर आपने एक लंबी यात्रा तय की है, तो इस लंबी यात्रा के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कैसे शुरू हुई, कौन कौन से पड़ाव आए, कौन मिले कौन बिछड़े, जरा बताइए प्लीज। देखिए प्रारंभ में गली मोहल्ले में रामलीला तो हुआ ही करती थी, तो मैं रामलीला देखने जाया करता था, तो लोग मुकुट लगा करके चेहरे लीपा पोती करके अपना अपना रोल करते थे, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा होती थी क्यों ना मैं भी राम बनूं, लक्ष्मण बनूं, या रावण बनूं, या ग्रेजुएट कुछ बनूं, मुझे कोई फटकने नहीं देता था। तो बड़ी मुश्किल से मेरे मोहल्ले में एक दिन रामलीला हो रही थी, जब रामलीला खत्म हो गई, जब सारे 11-12 दिन की खत्म हो गई, तो भरत मिलाप वाले दिन मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा यार भाई आज आखिरी दिन है, हमको भी कुछ कर लेने दो। तो कह लगे ठीक है अच्छा ऐसा करो जाओ अंदर ग्रीन रूम में, वहां से कपड़े पहन के आ जाओ। तो वो मैंने एक पीले रंग का एक उतरी पहनी और पैजामा धोती पीले रंग की लपेटी, खाली कोई डायलॉग नहीं आके स्टेज पर खाली खड़ा हो गया। वो दिन और आज का दिन, बस वो स्टेज पर खड़ा होना, मार सरस्वती ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कि फिर मैं धीरे धीरे मोहल्ले में जो भी नाटक वोटक होते थे, परिचय थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया था। और मजे की बात बताएं, दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा पूजा के दरमियान हमारे मोहल्ले में दुर्गा पूजा होती थी, तो उसमें जाहिर सी बात, तो लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दी है, लोग नहीं करते हैं यात्रा वगैरह, थिएटर वगैरह नहीं करते हैं, या ऑर्केस्ट्रा वगैरह नहीं बुलाते हैं, सब नहीं करते हैं, लेकिन पहले बहुत ये होता था, यात्रा होती, तो मैं यात्रा भी देखता था, उससे भी सीखता था मैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे डायलॉग डिलीवरी होती है। एक आध बार मैंने यात्रा में बंगाल की जो यात्रा है उसको भी मैंने, हमको चार डायलॉग बुलवाने के लिए रटा दिया गया था कि ये यही खाली बोलना, आगे पीछे कुछ मत बोलना तुम, क्योंकि मुझे बंगाली आती नहीं थी। तो मैं खड़ा होकर के जो है एक नौकर का मैं, उसने खाली मुझसे चाय मांगी और चाय लेकर के मैं आया अंदर, नीचे उतर करके ऊपर चढ़ गया केतली लेकर के, इतना सा था। इसके बाद धीरे धीरे करते 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 फिर मैं यहाँ पर, मैंने अपनी कांतुराइट थिएटर एकेडमी एक संस्था खोली और खुद ही राइटिंग करता था मैं, साल में एक दो प्रोडक्शन करता था, खुद ही डायरेक्ट करता था, खुद ही एक्ट करता था, खुद ही सूत्रधार का रोल करता था, खुद ही गाता था, खुद ही लिखता था, सारा काम मैं खुद करता था। तो इस तरीके से मेरी नाटक की यात्रा शुरू हो गई 1978 से लेकर 2006 तक मैंने थिएटर ऑल ओवर इंडिया में। और बड़े मजे की बात यह थी कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी था मैं, कि मेरे जो चेयरमैन होते थे वो इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे, मुझे मानते बहुत थे, तो टीम लेकर के मेरे को ही भेजते थे पूरी। तो मैं ऑल ओवर इंडिया में नागपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, दीमापुर, पूरा ऑल ओवर इंडिया, केवल अंडमान निकोबार छोड़ करके और वो उधर छोड़ करके क्या साउथ में, पूरा इंडिया मेरा घुमा हुआ है और हर तरीके के कल्चर में जाके मैंने थिएटर किए हैं और बड़ा एप्रिसिएशन थिएटर से। इसके बाद 2006 में, जैसा कि आपको पता है, पहला ब्रेक मुझे मिला महुआ चैनल ने दिया, वो भी सिंगी की बदौलत। मैं छोड़ के इसलिए वहां से चला क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पर लोग भोजपुरी को सेकेंड क्लास मानते हैं और हिंदी को फर्स्ट क्लास मानते हैं, इंग्लिश को A1 मानते हैं। तो इस तरीके से मुझे भोजपुरी फिर वहां से क्विट करना पड़ा, लेकिन अभी मेरा पैशन सिंगिंग का गया नहीं है, मैं गाता हूँ अभी, अपना शौक पूरा करता हूँ, मैं डेली 1 घंटा रियाज करता हूँ अभी भी हारमोनियम पर, वो छोड़ नहीं सकता। तो अब क्योंकि फिल्मों में काम करने लगा हूँ, तो मैंने अभी, दादा ने पूछा मेरे से कि आप डायरेक्शन में क्यों नहीं उतरते हो प्रोडक्शन में, मैंने कहा ये सब सरदर्द है, ये सरदर्द क्यों है, इतना ज्यादा जुटाना पड़ता है इसके अंदर कि आदमी फिर एक्टर खत्म हो जाएगा मेरे अंदर से, और मैं आर्टिस्ट की तरह जिंदा रहना चाहता हूँ बाकी किसी भी तरीके से। पाठक जी अभी अभी जैसे आपने सरकारी नौकरी का जिक्र किया, आप सरकारी नौकरी कर चुके हैं, तो ये सरकारी नौकरी और निर्देश, रंगमंच पर अभिनेता, एक अभिनय जीवन, अभिनय और निर्देशक का जीवन, वो एक अलग है और सरकारी नौकरी अलग है, दोनों के बीच आपने संतुलन को कैसे बरकरार रखा? हमें शर्मिष्ठा जी इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि मैं थिएटर तो कर सकता था सरकारी नौकरी करते समय, मैं फिल्मों में नहीं काम कर सकता था। लेकिन क्योंकि मेरा अपना बिहेवियर, कहा ना कि एक आर्टिस्ट के पास सबसे बड़ा उसका बिहेवियर होता है, उसकी अपनी जो एक
क्रेडिट होती है और इंटीग्रिटी होती है वो अगर हाई क्लास की है तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। मेरा डायरेक्टर होता था वो जिसको जैसे पता लगता था कि मैं फिल्मों में काम करने जा रहा हूँ तो मुझे कहता है, मुझे बहुत ही मतलब बकअप करता था और विश करता था कि जाइए क्या नाम है करके आइए, डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा करिए। तो मैं करके आता था, बस ये फर्क ये होता था, जाहिर सी बात है, हालांकि कहने वाली बात नहीं कि जो पेमेंट मिलता था वो तो हमें वहाँ टीडीएस काट के ही मिलता था इनकम टैक्स की वजह से। तो मैं साफ सुथरा काम करता था, संपूर्ण सहयोग मिला और डायरेक्टर ने, और मैंने डिपार्टमेंट के लिए भी काम किया, डिपार्टमेंट का प्रचार, ईएसआई का प्रचार प्रसार मैंने कलकत्ता साल्ट लेक में किया है। मैंने हर जगह जहां जहां गया हूं मैंने ईएसआई का नाम लिया। मैं आज जो भी हूं, आज जो बॉलीवुड में भी हूं, ईएसआई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देखिए हमारा पैर एक ऐसी जगह था जिसे हम कहते हैं बेस यानी जमीन। जब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इक्विपमेंट का पैर बेस पर होता है तो गिरता नहीं है, अगर बेस उसका पैर हट जाएगा तो गिर जाएगा। तो मेरा बेस तो मेरी रोजी रोटी थी जिसकी बदौलत आज भी मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, अभी मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ। तो अब चूंकि मुझे ब्रेड एंड बटर की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए मैं इसे अपना शौक भी मांग के करता हूँ और थोड़ा बहुत जो अपना जेब खर्च है वो भी निकल आता है। ये बात, आप तो निर्देशक भी रह चुके हैं रंगमंच पर, निर्देशन का काम भी आप करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। शर्मिष्ठा जी, निर्देशक को समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सर पे भार होता है, उससे स्टेज के मेजरमेंट से लेकर के विंग के मेजरमेंट से लेकर के और कर्टन काल से लेकर के ऑडियंस से लेकर के और सबसे जो बैक बेंचर ऑडियंस है वहां से लेकर के लाइट से लेकर के पंखों से लेकर के साउंड से लेकर के सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारा आर्टिस्ट ड्यास के ऊपर कह रहा है, सुन रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है, वो नीचे बैठी हुई ऑनरेबल ऑडियंस जो लास्ट में बैठी हुई है बैक बेंच पर लास्ट वाली सीट पर, वहां तक पहुंचना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी एक डायरेक्टर के ऊपर होती है, यदि नहीं पहुंचता है तो हमारा किया धरा सब बेकार हो जाता है। और डायरेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने अंडर काम करने वाले आर्टिस्टों को विद ड्यू रिगार्ड उनको इतना माजे, इतनी प्रैक्टिस कराए, उनको इतना ज्यादा सिद्ध हस्त करे कि तो किसी भी सूरत में वो 0.00 एरर पर आकर खड़े हों, उनसे चूक ना होए, क्योंकि इसमें कभी रीटेक नहीं होता। एक बार अगर कुछ निकल गया तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं, इसलिए इतनी मेहनत करानी पड़ती है, उसका रिहर्सल कराना पड़ता है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, कभी कभी प्यार भी करना पड़ता है, कभी कभी मजबूरन किसी को निकालना भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, कुछ चीजें खुश होकर करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें ना खुश होकर करनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन को कंप्लीट करना है, प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना है, प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस को सुंदर बनाना है, इसलिए सारे सारी चीजें करनी है। छक्के छूट जाते हैं, हाँ छक्के छूट जाते हैं, रात भर सोचता है कि मुझे सुबह करना क्या है। पाठक जी, आप छोटे पर्दे पर छाए हुए हैं, तो छोटे पर्दे पर आपकी प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी रही, क्या रही है? संस्था जी, मैं छोटे पर्दे को प्रेफर ही नहीं करता। क्या है, ओटीटी पर जो मटेरियल आजकल दिया जा रहा है उससे मैं समझ सकता हूं कि वो हमारे स्तर का नहीं, लेकिन अब होता क्या, अगर अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है, पंकज त्रिपाठी के साथ आजकल कौन नहीं काम करना चाहेगा भाई, तो मैं भी यही इसी वजह से, पंकज जी की वजह से उस पर चला गया। अगर शायद कोई और आर्टिस्ट होता तो मैं मना कर देता, मैं ज्यादातर मैं वेब सीरीज मना कर देता हूँ। मेरे पास ऑफर आया बालाजी प्रोडक्शन से अल्ट के लिए, और वेब सीरीज थी उसका नाम था बिच्छू, और बिच्छू टोटली पॉर्न है, मैं नहीं, मैंने सीएम का रोल उसमें भी मुझे ऑफर किया जा रहा था, मैंने मना कर दिया। तो मैं देखिए होता क्या है, आप जहां पर जैसे इन्वायरमेंट में काम करेंगे, आपकी भी कितने भी आप मजबूत हो लेकिन थोड़ा बहुत शेडो आ ही जाता है। तो मैं उधर जाता ही नहीं हूं जिधर मुझे जाना नहीं, सीधी बात। पाठक जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने उस पर कैसे कदम रखा? अभी तो अभी अभी आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, शुरुआत कैसे? पहला ओटीटी मुझे मिला था भूल पालेकर जी का,
अच्छा आप कहेंगे अमोल पालेकर जी, तो नाम बिल्कुल गायब हो चुका है, कहां से आ गया। हम लोग का जो डेटा होता है, कास्टिंग डायरेक्टर जो बंबई के होते हैं उनके पास ऑलरेडी रखा रहता है, तो उसमें कास्टिंग खुद अमोल पालेकर जी कर रहे हैं, उनका कास्टिंग डायरेक्टर नहीं कर रहा था। उनका जो खास था उसने कहा हम आपके पास जितना डेटा है लाके दिखाइए, तो उसमें से उन्होंने 100 लोगों को छाटा, और चांस की बात कि 100 लोगों में मेरा भी एक नाम था, उसमें भी पॉलिटिकल अच्छा, लीडर हूं मैं। अच्छा, तो उसमें वो पनवेल में बॉम्बे में शूट हुई थी, वहां पर समझ लीजिए पहाड़ पे हवाई जहाज की पट्टी बन रही थी, वहां एरोड्रम बन रहा था वहां पर, उसके बीच में ये काम शूटिंग हो रही थी। अब ब्लास्ट भी हो रहा था, डर भी लग रहा था ऐसा ना कोई पत्थर आके खोपड़ी पे गिर पड़े क्या है। खैर जाली लगा के प्रोडक्शन किया जाता, लेकिन कोई ठिकाना तो होता नहीं। तो वो पहली मैंने वेब सीरीज इसलिए की थी कि अमोल पालेकर जी की थी। अब अमोल पालेकर जी के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा भाई। जी। उसका नाम था गवर्नमेंट नक्सलाइट के ऊपर थी, नक्सलाइट तो नक्सलवादी नक्सलवादियों के ऊपर थी, इसलिए मैंने उसमें काम कर लिया। इसके बाद उसी को शायद देख करके, क्योंकि मैंने कई जगह एक फिल्म थी उन्स, उन्स को हिंदी में बोलते हैं लव, वो मोहम्मदन वर्ड है। तो क्या था कि उसमें एक मैंने करीम चाचा का रोल किया था, तो मेरा गेटअप देख करके मुझे इसमें जाकिर अली मिनिस्टर का रोल दे दिया, क्या नाम है, मिर्जापुर में, और उसमें भी काम करने वाले पंकज त्रिपाठी लीड कर रहे थे, तो मैंने इनका साथ पकड़ लिया। तो मैं जो OTT की जितने भी इस तरीके के प्रोजेक्ट आते हैं, मैं देखता हूँ कि ये किस प्रोडक्शन का है, इसका कंटेंट क्या है, और इसमें काम कौन कर रहा है, मैं ये देखता हूँ। तो अगर उसमें ज्यादा कुछ इस तरीके का नहीं है तो मैं यस बोल देता हूँ। मैंने पहले बता दिया कि मेरे लिए मॉनेटरी कोई इशू नहीं होता है, मेरे लिए काम इशू होता है, काम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा, जिसके अंदर मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकूं, बिल्कुल ये मैं देखता। अच्छा, जब अभी OTT की बात हो ही रही है, आपको क्या लगता है कि अभी छोटे पर्दे फिर सिनेमा उसका जमाना गया, अभी OTT का ही दबदबा बना रहेगा, उसी का बोलबाला है? अभी क्या है ना कि वो तो चूंकि लॉकडाउन में अब PR बंद हो गए, सारे सिनेमाज बंद हो गए, इस वजह से OTT थोड़ा सा मूवमेंट इसका चल दिया। अभी देखिए सबसे बड़ी खराबी क्या है कि OTT के ऊपर सेंसर का कोई विक्रम नहीं है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, तो ये जो मर्जी आया तो परो परोस देते हैं। जिस दिन सेंसर इसको कॉग्निजेंस में ले लेगा उस दिन शायद ये सुधार दें। वैसे OTT प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, एजुकेशनल पिक्चरें बनाए, सोशल पिक्चरें बनाए या कुछ करें। अब आज करके अब क्या बताएं, लोगों की आंखें भी खराब हो गई है, तो उसके लिए करें क्या, सीधी साधी पिक्चरें लोगों की आंख में घुसती ही नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी पिक्चरें देखने की आदत हो गई है। अभी हम सीधा देखना भूल ही गए हैं। देखने के लोगों की आदत ही खत्म हो गई है, तो अगर जरा सा अगर कोई इस तरीके का सीन आ गया कि घर में कोई मर गया, कोई रो रहा है, तो कहो जेंट्री वहां की हॉल से उठ करके बाहर चली जाती है चाय पीने या सिगरेट पीने, ये स्टेटस है। तो अब प्रोड्यूसर क्या करे, प्रोड्यूसर तो इन्वेस्टर है, उसको तो अपनी फिल्में चलानी है, तो वो इस तरीके के तो फिल्में बताएगा नहीं कि लोग पिक्चर में आंसू बहे तो लोग बाहर निकल जाए, ऐसा तो करेगा नहीं, उसका पैसा बर्बाद जाएगा। इसलिए वो वही देता है जो लोगों को पसंद है, वो कंटेंट वही देता है। अब मैं आपको OTT की थोड़ी सी जानकारी दे दूं, अभी आप लोगों को ऊपर ऊपर नाम पता है, मैं अंदर की जानकारी दे दे रहा हूँ। OTT क्या है, OTT कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म है, वैसे मैं इसके एब्रीवेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं एक्चुअल बताने जा रहा हूँ। तो OTT प्लेटफॉर्म यह है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कुछ प्रोड्यूसरों ने अपना अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, और बनाने में एक प्रोड्यूसर को एक टारगेट देते हैं कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, मुझे इस कंटेंट की इतने एपिसोड बना करके दे दीजिए। और एपिसोड होते नहीं है, वो कंटिन्यूस चलते हैं, 15 मिनट का हो सकता है, 12 मिनट का होता है, उन्हें टोटल फिल्म की ही लेंथ चाहिए, 2 घंटा 2 मिनट, इसके अंदर चाहे 6 एपिसोड बनाए, चाहे 12 एपिसोड बनाए, चाहे 20 एपिसोड बनाए, तो 50 लाख रुपए देता। अब आप ये बताइए, जो पिक्चर 50 करोड़ की बनती है, 1 अरब 100 करोड़ की बनती है, वो 50 लाख में बन रही है, अब आप समझ लीजिए कि शक्कर कितनी मीठी होगी भाई, अगर 5 रुपए किलो वाली दी जाएगी, वो शक्कर होगी क्या, वो नहीं होगी। 50 लाख रुपए में वो क्या नहाएगा, क्या धोएगा, क्या खाएगा, क्या रोएगा, आर्टिस्ट को भी पैसा प्रॉपर नहीं देगा। 10,000 रुपए पर डे पर एक कैमरा आता है जो शूटिंग के लिए आता है, अगर 1 महीने का शेड्यूल हो तो कितना हो गया, 3 लाख रुपए यही हो गए। तो वो फिर उसका बजट इतना हिलता डुलता हुआ होता है कि वो
वही घटिया ही काम करता है, सस्ते आर्टिस्ट ले लेता है, 50,000 पे हीरोइन ले लेगा, ठीक है ना। अब लोग करते हैं भाई जिनके पास पैसा नहीं वो करती हैं। अब भाई हम कोई समाज सुधारक तो है नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट बनी हुई है, मेरा पार्ट है, मेरी भी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी वहीं तक है कि मैं लोगों को कहूं कि ये मत करो, बस इससे ज्यादा नहीं, मैं रोक नहीं सकता हूं किसी को, तो मेरी भी अपनी सही बात। लिमिटेशंस है, मैं नहीं देखता हूं, मेरा मैं अपने आप को ही तो सुधार कर सकता हूँ, या जिसके ऊपर थोड़ा वो थोड़ा अंकुश है वहां तक जा सकता हूँ, तो मैं कोई ठेकेदार नहीं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, मैं कंडेम करता हूँ इन सब चीजों को। अगर OTT पर कंटेंट सही ला करके रखें तो ये अच्छा माध्यम है, लोगों घर बैठे आपको मनोरंजन मिल जाएगा, या मनोरंजन तो मिलता नहीं है, पता नहीं क्या मिलता है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना मैं डिफाइन पाठक नहीं जी, कर थोड़ा सकता। हम लोग जरा फ्लैशबैक पे जाएंगे। आपने तो बॉलीवुड में अच्छा भी काम किया है, तो बॉलीवुड में आपके शुरुआती दिन या फिर संघर्षपूर्ण दिन जो भी रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम आपको बताया, आई एम वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, मैंने कोई संघर्ष नहीं किया, संघर्ष मैंने ओके थिएटर अच्छा। में किया है, और संघर्ष वो कुछ तरीके का नहीं, काम को लेकर के, काम की इंटेंसिटी को लेकर के संघर्ष किया। अब के आप अपने अंदर कितनी ज्यादा इंटेंसिटी लाया जाए किरदार के प्रति, उसके प्रति संघर्ष किया। अब मैंने अपने पॉलिश कर, मैंने अपने में पॉलिश करने के लोग लेकर के पॉलिश के इश्यू पर संघर्ष किया। बाकी ये मैं किसी से, मैं आज भी मैं काम मांगने जाता हूँ, मेरा देखिए एक प्रक्रिया है बॉलीवुड में काम करने के लिए। अब ऑडिशन लोग मेरे से घर से ही मंगा लेते हैं, अब मुझे ऑडिशन देने नहीं जाना बिल्कुल। पड़ता है, कुछ लोग जानते हैं डायरेक्ट कास्ट कर लेते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में तो आपको शामिल होना ही पड़ेगा। ऑडिशन देने तो अमिताभ सही बच्चन भी जाया करते थे जमाने में, हाँ वो मैं तो भी है। जाया करता, तो एक बताया। तो अभी क्या है कि अब स्थिति मेरी भी दूसरी है, मुझे अब कभी कभी क्या होता है, मुझे लोग काम देते नहीं, कभी कभी क्या होता है मैं काम रिफ्यूज कर देता हूँ, आप लेते दोनों नहीं है। बातें। हाँ कभी कभी मैं रिफ्यूज कर देता हूँ, मुझे नहीं करना है, कभी कभी लोग काम देते भी नहीं, या मैं उसके लिए फिट नहीं होता हूँ। अब बाला पिक्चर आई, बाला में आयुष्मान खुराना के फादर का रोल के लिए मैं लॉक किया गया, विजान प्रोडक्शन, विजान दिनेश विजान की थी, मडोक प्रोडक्शन की थी। अब उसमें दिनेश विजन जी ने कहा कि भाई नहीं, मुझे सौरभ शुक्ला चाहिए, मुझे मुझे नहीं लिया, तो हम उसमें अदरवाइज थोड़ी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, उनको सौरभ शुक्ला ज्यादा फिट नजर आ रहा है। तो ये तो देखिए, जहां घोड़े की जरूरत है वहां गधे की कोई जरूरत नहीं है, जहां गधे की जरूरत है वहां घोड़े की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर जहां हाथी चाहिए वहां ऊंट की कोई जरूरत नहीं, जहां ऊंट चाहिए वहां हाथी की कोई जरूरत नहीं है, जहां चींटी चाहिए वहां पर मुझे चूहे की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें फिट हो रहा हूँ, फिर मुझे अगर रिफ्यूज किया जाता तब तो कष्ट हो सकता है, लेकिन जो उस रिक्वायरमेंट में फिट ही नहीं हो रहा हूँ तो फिर कष्ट होने का कोई मतलब भी नहीं होता। उसके लिए तो अपने आप को बॉलीवुड तैयार रखना चाहिए कि नहीं, जो सही है वही होगा, जो उनको बिल्कुल सही लगता है वही होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं। देखिए 60% तो आपका टैलेंट है, 60%, बिल्कुल, फोर्टी वो तो है परसेंट ही। के अंदर 40% के अंदर जो है फेवर है, सही और कह रहे कभी हैं कभी आप। फेवर करने से भी फायदा मिलता है, ऐसा नहीं। हमारे हमारे जान पहचान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, वो ऑडिशन लेते नहीं, सीधा अरे भाई पाठक जी फलाने डेट से शूटिंग है, चले आना, अच्छा, ऐसे बोल देते हैं। दोनों बात ऑडिशन भी होता नहीं देते। है, ऑडिशन भी नहीं होता। पाठक जी, बॉलीवुड में ये जो बॉलीवुड की अच्छी बुरी भली दुनिया, ये मिली जुली दुनिया है, वहां जी पे हाँ, जो चरित्र अभिनेताएं हैं, चरित्र अभिनेताओं के साथ कैसा बर्ताव, कैसा सलूक? देखिए इस लाइन के अंदर जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है वो महंगा होता है। ये समझ लीजिए कि जो आदमी स्टेब्लिश हो जाता है वो नीचे के लोगों को अपने बराबर आने की किसी भी सूरत में देना नहीं चाहता है, वो जैसे ही थोड़ा सा उसकी शाखें पत्तियां डाल हरी होती है निकलती है, वो किसी न किसी बहाने उसको काटने की कोशिश करता है, और अगर खुल के कहें तो बता दीजिए उसको सुशांत सिंह बना देता है। ये यहाँ की इस पर तो टेंडेंसी है। इतना, और दूसरी इस पर बात एक यह है कि लंबी चर्चा हो सकती है। और इसी को कोई इश्यू नहीं है डिस्कशन का, कोई बात नहीं करने वाली बात है आज समय, इस समय तो मैं इसी मुद्दे पे बैठा हुआ हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं उसे सही सही रास्ते बता सकता हूँ कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सही में पाठक जी, पर्दे पर फीमेल को तो बहुत ही कॉशस रहना चाहिए। जी, सही बात है, बहुत सही बात है। पाठक जी, पर्दे पर अभी तक आपका सबसे मुश्किल किरदार कौन सा रहा?
देखिए, सबसे मुश्किल किरदार मेरे लिए कोई नहीं होते, मेरे लिए सारे। अगर मुझे आप मूक एक्टिंग करने के लिए मतलब देंगी वो कहते हैं ना मेरे कि चैलेंजिंग, इसके लिए आपको एक एक बहुत ही बारीकी से आपको सोचना पड़ा, प्रिपरेशन लेना पड़ा, तैयारी देखिए, करनी मुझे पड़ी। मैं सारे किरदारों में वही मेहनत करता हूँ जो मुझे करनी चाहिए। मैं अगर चीफ मिनिस्टर हूँ तो मुझे चीफ मिनिस्टर दिखना चाहिए। मेरी सोच, मेरा दिमाग, मेरा एक्शन, मेरा बोलने का स्टाइल और गंभीरता उसी तरीके की, मैं अपने आप खुद ही अडॉप्ट कर लेता हूँ। मेरे सारे रोल चैलेंजिंग होती है। ये कहिए कि मेरा सबसे अच्छा रोल कहाँ, तब तो मैं बोल सकता हूँ सबसे अच्छा रोल मैंने रेड में किया चीफ मिनिस्टर का, ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो मेरे लिए अगर आप स्वीपर का भी रोल देंगे तो स्वीपर भी बनना कोई मजाक काम नहीं। मैंने जब एक नाटक में डायरेक्ट कर रहा था कि हम कब सुधरेंगे, शायद मैंने आपको भेजा भी होगा वो, मैं जी देहरादून ओएनजीसी में, मैं करने गया था देहरादून, तो वहां पर एक स्वीपर से मुझे एक्टिंग कराए थे जो स्टेज पर ही झाड़ू लगाना था उसको, स्टेज पे। ओके तो उसको मैंने बिल्कुल स्वीपर का गेटअप बनाया, हाफ पैंट पहना के, नीले रंग का वगैरह। वो दिमाग में वो चीज किरदार लाना पड़ता है कि सुबह देखता हूँ जी स्वीपर किस तरीके से जी करता है, जी जी बिल्कुल उसके दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। पाठक जी, ये जो हमारी दुनिया है, हमारा जो मार्केट है, एकदम टोटली नेटवर्किंग पर चलता है, जिस तरह के प्रोफेशन में बिल्कुल आप हैं, आप जो ये नेटवर्किंग कैसे बरकरार रखते हैं, कैसे बनाए रखते हैं और इसको कैसे एक्सटेंड करते हैं? ये अनफॉर्चुनेटली मैं 11 महीने से कानपुर में ही रह गया, वरना मैं अल्टरनेट मंथ पे जो है बॉम्बे विजिट करता रहता हूँ, चाहे काम हो या ना। क्या है कि ये टोटल नेटवर्किंग जो लेजनिंग के ऊपर डिपेंड करती है, आपका अगर लेजन अच्छा है तो काम बराबर मिलता रहेगा, सही बात है। फॉर योर काइंडनेस। अभी देखिए मैं निकल रहा हूँ, 17 तारीख को बॉम्बे हूँ मैं, वहां मेरी एक फिल्म है मरियम करके, मोहम्मडन बेस है, मोहम्मडन स्टोरी पर है, वो 4-5 दिन का शूट है। फिर लौट के आऊंगा, फिर मुझे जो है एक वेब सीरीज करनी है पटना में, इसके बाद फिर वहां से फिर मार्च में हमारे विनोद बच्चन जी की एक पिक्चर है जहाँ चार यार है, और मेरा प्रोडक्शन वो करना है। ये सारी चीजें लेजनिंग पर चलती है। फिर उसके बाद अप्रैल में मैं एक जज का किरदार कर रहा हूँ, उसमें RN2 वेब सीरीज है, वो राम माधवानी की है। ये लेजनिंग जब आपकी अच्छी होगी तो अपने आप ही लोग जानेंगे आपको। और दूसरा क्या है, अब देखिए कारण क्या है, अगर आपके अंदर एटीट्यूड हुआ, ईगो हुआ, और ये दुनिया भर भर की चीजें अगर हम दिमाग में भरी हुई है तो आपको फिर काम मिलने में भी परेशानी होगी। क्या सही कारण है बात कि आज की तारीख में रजा मुराद बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं, शक्ति कपूर बैठे हुए क्यों, क्यों वो लाखों रुपया ले चुके हैं, अब वो 20,000-25,000 रुपये पर डे पर काम नहीं करेंगे, मैं कर दूंगा इसलिए मुझे काम मिलेगा और उनसे अच्छा करूंगा, या तो है नहीं। तो ये चीजें होती हैं। आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, कम बजट में ज्यादा फायदा, क्योंकि सही बात है। हर किसी को चाहिए, जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर किसी को यही चाहिए। सीधी बात है। तो वो उनका जो सोचने का तरीका है प्रोफेशनल है, मेरा तरीका दोनों है, पैशनेबल और प्रोफेशनल दोनों है, मैं दोनों में जीता हूं भाई। तो मैं एक काफी मजदूर हूं, मैं एक मजदूर हूं, अगर मैं मजदूरी करूंगा तो मुझे मेहनताना मिलना चाहिए, दो रोटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आप उस हिसाब से देखते हैं, सही मैं बात उस है। हिसाब से पाठक जी, एक इंसान की जिंदगी में सफलता के साथ साथ असफलताएं भी आती हैं, विफलताएं भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो रमेश चंद्र पाठक, एक अभिनेता रमेश चंद्र पाठक और इंसान रमेश चंद्र पाठक, दोनों को मिला करके मैं पूछ रही हूँ, एक व्यक्ति जो है, शख्सियत, व्हाट एवर यू टेक इट, सो आप अपने जीवन में असफलताओं को कैसे लेते? देखिए, जहां तक असफलता है, असफलता ही जो है सफलता का फर्स्ट स्टेप है। अगर नाइट नहीं होगा तो डे के कोई माने नहीं, और अगर डे नहीं है तो नाइट के कोई माने नहीं हुए। ये चेंजेबल लाइफ, पूरी चेंजेबल है। मरना आसान है, जीना बड़ा मुश्किल है। जीने के लिए आपको बहुत सारे रिहर्सल करने पड़ेंगे, मरने के लिए कोई रिहर्सल नहीं करना पड़ेगा। जीने के लिए आपको हंसना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, लोगों को खुश करना पड़ेगा, लोगों से खुश होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जीने के लिए करनी है, मरने के लिए कुछ नहीं करना है। तो मेरा ये बात कहने का मकसद सिर्फ यह है कि जहां असफलता होती है वहीं से स्टार्ट होती है सफलता। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती,
आप बहुत तेज गर्मी से निकल रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे तो वो गर्मी की एक लिमिट होगी ना, वहीं तक तो रहेगी, इसके बाद फिर थोड़ा सा आपको टेम्परेचर डाउन मिलेगा, या ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, स्टेगनेंट नहीं मिलेगा। तो फ्लक्चुएशन लाइफ के अंदर है, उस फ्लक्चुएशन के अंदर हमारी असफलता भी डिफाइन है और सफलता भी डिफाइन है। और लाइफ बिना असफलता के कंप्लीट होती ही नहीं है। अगर खाली सब चीज सफेद ही सफेद होगी तो काला देखने का मन करेगा आपका। आप रोज शक्कर खाइए, मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी, आपका टेस्ट ही बेकार हो जाएगा। दाल भात रोटी खाते खाते तो कुछ कभी कभी पूरी सब्जी या चटनी भी खाने का मन करता है, उसको आप सफलता कह लीजिए या असफलता कह लीजिए। तो सफलता जिंदगी आपके में साथ साथ शेड्स होना चाहिए, लाइफ में शेड्स होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल शेड्स होने चाहिए। बिना असफलता के सफलता का मजा ही नहीं है, बिना गर्म के एसी का मजा ही नहीं है, गर्मी से आएंगे तभी एसी अच्छा। पाठक जी, ये इस वक्त जो पूरी दुनिया है एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक टाइम तो ऐसा भी था कि जो ये शूटिंग फिर थिएटर इस पर ताले लग चुके थे, मतलब तो बड़ा ही मुश्किल दौर था। हाँ क्या ऐसे में आपने अपने आप को एक नए तरीके से आविष्कार किया है, अपने आप को नए ढांचे में ढाला है, नए तरीके से तराशा है, ऐसा कुछ? देखिए, हमारा ये कोई मानना नहीं है कि थिएटर चलेंगे तो मैं सरवाइव करूंगा, ऐसा मानना नहीं है नहीं मेरा। सर, क्या है, मैं तो मैं अपने, सर्वाइवल के साइड से नहीं पूछ रही हूँ, उस हाँ दृष्टिकोण से मैं नहीं पूछ रही हूँ। नॉर्मली एक है हाँ ना कि आप कलाकार हैं, लेकिन अगर हाँ थिएटर पर ताले लग चुके हैं, एक तो परफॉर्मेंस का एक होता है ना, परफॉर्मेंस की एक क्या कहें इसको, वही हर मैं कहने जा रहा आर्टिस्ट। हूँ, जी मैं वही वही कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं, थिएटर बंद हो या खुला हो या क्या हो, मुझसे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तो उठा वहां से हूं कि जहां से थिएटर का कोई लेना, हॉल का कोई लेना देना था ही नहीं। मैं तो नुक्कड़ नाटक करने लगता हूँ किसी भी सब्जेक्ट पर। पुलिस वाले अगर किसी गरीब को मार करके उसके दुकानदारी छीन ले रहे हैं तो वहीं मैं अपना डमरू बजाना शुरू कर देता हूँ, उसी की एक्टिंग करना शुरू कर दूंगा। मुझे एंजॉय करना है और लोगों को एंजॉय कराना है, तो उसके लिए बहुत सारे जगह हैं, क्या छोटी मतलब क्या बड़ी। आप रंगमंच क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं आप रंगमंच। हमारे अंदर क्या रंग बात है, है, क्या हमारे बात है। अंदर कभी आपके रंग है, हमारे अंदर रंग है अंदर तो रंग है, दिखेगा, मंच की कमी नहीं है, मंच मंच की की कमी कमी नहीं। नहीं है। बस रंग होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आई मीन लाइक सही में पाठक जी, एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। जो लोग थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, छोटे बड़े पर्दे या ओटीटी पर आना चाहते हैं, मतलब अभिनय को पेशे के तौर पर अपनाना चाहते हैं, उनके लिए उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे एक वरिष्ठ अभिनेता के अगर तौर पर? अगर अगर किसी भी बच्चे को, स्टूडेंट को, या किसी पिता के बेटे को, या किसी माँ के लड़के को अभिनय के क्षेत्र में आना है, तो सबसे पहले उसको जो है अपना एक जो स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन है कंप्लीट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो एजुकेशन वो ले रहा है उसके साथ साथ जिस फील्ड में जाना चाहिए माइंड मेकअप करके उसी सब्जेक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। सपोज के लीजिए अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो उसे संगीत बाकी सब्जेक्ट के साथ लेना चाहिए। अगर कोई कलाकार या अभिनय अभिनेता बनना चाहता है तो बाकी सब्जेक्ट के साथ एक अभिनय का भी कोर्स उसको साथ साथ करना चाहिए। फिर उसमें अपना एक ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर भारत के अंदर जो भी नाट्य विद्यालय हैं या जो भी एक्टिंग सिखाने वाली भारत सरकार की एजेंसियां हैं वहां जाके एडमिशन लेना चाहिए, तब जाकर के इस फील्ड में उतरना चाहिए। किसी भी प्राइवेट एजेंसी के पास जाकर के ना तो वो अपना समय खराब करें और ना पैसा पिताजी का कमाया हुआ, माताजी का जोड़ के रखा हुआ पैसा बर्बाद करें। ये मेरा उन लोगों के ये सलाह है और सजेशन। मतलब एजुकेशन कंप्लीट तो जरूर करना चाहिए ताकि अगर आप सफल बिल्कुल ना हो तो आपके लिए दूसरा एक कोई कोई सेकंड एक आप प्रोफेशन के एग्जाम्पल लिए आप दे, एक मैं चूज कर एग्जाम्पल सकते। दूंगा कि बॉलीवुड के अंदर जो है बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूसर हैं, जी डायरेक्टर हैं, सारे इंजीनियर्स डॉक्टर प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे वकील डॉक्टर प्रोड्यूसर हैं। बॉलीवुड किसको नहीं भाता है, सभी को भाता है, अपना अपना बिल्कुल प्रोफेशन छोड़ कर। मैं आपको बता दूं, दिनेश विजान जो इसमें मडोक का जो इसमें सीईओ है वो बैंक मैनेजर था,
उसने 14 साल बैंक में नौकरी किए, लोगों से रिलेशन हुए, उसने अपना फिल्म कंपनी खोल ली और आज सक्सेस, कम से कम 20-25 फिल्में बना डाली उस। अभी जो बाला आयुष्मान खुराना की थी उसकी लास्ट फिल्म स्त्री है। तो ये देखिए, इसमें कोई मापदंड नहीं रह गया है कि आप इंजीनियर तो इधर नहीं आ सकते, डॉक्टर है तो इधर नहीं आ सकते, या वकील है तो इधर नहीं आ सकते, या जज है तो इधर नहीं आ सकते हैं। ये फील्ड तो ऐसी, मैं अच्छा बताएं, आरती पाठक ने ये फील्ड ही क्यों नहीं चुनी? मैं रिटायरमेंट के बाद कहीं 50,000 की नौकरी कर सकता था कि नहीं कर सकता था, उसका एडवाइजरी बन सकता था या कंसल्टेंसी कर सकता था कि नहीं कर सकता था? मैं लीगल कंसल्टेंट, मैं LLB भी हूँ, मैं लीगल कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन नहीं किया। पूछिए क्यों? क्योंकि ये विधा एक ऐसी विधा है, कला की विधा एक ऐसी विधा है, एक्टिंग की विधा एक ऐसी विधा है कि एक नवजात शिशु यानी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर के मनुष्य की डेड बॉडी तक का इसके अंदर काम है। वो मरेगा, उसकी डेड बॉडी लोगों को ले जाता हुआ दिखाया जा सकता है इसके अंदर। बच्चा जो अभी पैदा हुआ उसका रोना दिखाया जा सकता है कैमरे में, तो वहां से लेकर के मरने तक का इसमें सारा एपिसोड घुसेड़ा जा सकता है। कहने का मकसद लबो लबाब यह है, इसमें कभी व्यक्ति रिटायर नहीं होता, इसलिए मैंने इधर चुना। और मैंने ये भूमिका आज नहीं, 1978 से ही बना रखी थी कि मुझे इसी लाइन में इसीलिए जाना है कि ये इसमें व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होगा। सर्विस 60 साल की, आप रिटायर हो गए। अब आदमी सोचता क्या रिटायरमेंट के बाद, अब मैं तो बेकार हो गया। एक साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट दिमाग पर जाता है, तो अगर उसे 10 साल जीना है तो 5 साल में भगवान के पास बिना परमिट के चला जाता है। तो मैं तो जब सोचता हूँ ईश्वर के पास जाने से पहले एक परमिट तो बना लूं ठीक ठाक, वहां जाके जवाब देना पड़ेगा तुमने इतने साल में किया क्या क्या भाई। यमराज को बोल दूंगा भाई, अब नाश्ते खाते खेलते लोगों को हंसाते रहे। मतलब यू हैव यूटिलाइज्ड योर, यू वांट टू यूटिलाइज योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ऑब्वियसली। यस पाठक जी, अभी तो मतलब सवाल जवाब का सिलसिला हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं। अभी हम दर्शकों ने कई सवाल भेजे हैं आपके लिए, अभी हम दर्शकों का सवाल जवाब उन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? उन्होंने प्रेम शर्मा जी जानना चाहती हैं, क्या किसी खास चरित्र का अभिनय करने की अभिलाषा भी है? ऐसा कोई ड्रीम रोल? बहुत सारे हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे अब डायरेक्टर जो चाहेगा जो करेक्टर देगा, हाँ अभिलाषा है एक थर्ड जेंडर का कभी अगर अभिनय करने का मौका लगा, ट्रांसजेंडर का तो करने की इच्छा है। अच्छा, तो ये आपका ओके, ये अभिलाषा अभी भी आप अपने दिल में रखते हैं कि अगर कभी मौका मिले। एक लेडी लेडी विलेन, लेडी बॉस कि हम स्त्री के भेष में जो है बॉस हैं, माफिया हैं, स्मगलर हैं, और किस तरीके से हम अपना कैंप चलाते हैं, इस तरीके का हमें एक रोल करना है। बाकी अच्छा। तो सारे रोल में करी, ये बड़े टेक्निकल रोल होते हैं, क्योंकि एक स्त्री जब गैंगस्टर बनती है उसको समझने बड़ा टाइम लगेगा, उसके दिमाग में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें बड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि ट्रांसजेंडर का रोल तो कई लोग कर चुके हैं, आशुतोष राणा जी कर चुके हैं, मनोज वाजपेयी बहुत लोग कर चुके हैं, क्या नाम है, काफी कुछ कर चुके हैं, लेकिन ये भी आसान करेक्टर नहीं था, लेकिन लोग कर चुके हैं। लेकिन मुझे एक लेडी विलेन का रोल करना है, जो वो विलेन का रोल नहीं करना है, गंगेस्टर। अच्छा। बाकी तो लेडीज तमाम सारी हो चुकी है, सीता गीता बन चुकी है, लेकिन वो नहीं करना है। एक जिस तरीके से अमरीश पुरी किया करते थे मेल होकर के, अमरीश मतलब फीमेल अमरीश अमरीश पुरी का रोल करना है। ओके, वेरी चैलेंजिंग, चुनौतियों से भरा रोल। बिल्कुल चुनौती से भरा। क्या है, क्या उसकी सोच है? मर्द की सोच तो एक टाइप्ड है कि वो अपने ऊटपटांग एक्शन करेगा, लेकिन स्त्री क्या करती है इसको समझना पड़ेगा, ऐसी स्त्री के पास जाना पड़ेगा मुझे कि जो इस टेम्परामेंट की होगी। तो वही एक्चुअली मेरा पहला सवाल, मतलब शुरुआत कुछ सवालों में से ये भी एक सवाल था कि जो ऐसे लोग हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उन जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, उनके पास आप कैसे जाएंगे? एक सवाल नहीं, मुझे जानने में ये करेक्टर कहाँ मिलेगा? कोई मिलेगा स्लम में?
स्लम में एक शराब की कच्ची दुकान चलती है जिस पर एक महिला बैठती है, ठीक है। स्लम में कच्ची शराब की दुकान चलती है, ताड़ी की दुकान चलती है, कच्चे चने भुने हुए वहां मिलते हैं, अंडा मिलता है, मछली मिलती है, मांस मिलता है, सब कुछ मिलता है, और बैठी महिला है वहां पर। यह मैंने खुद देखा हुआ है, इसीलिए दिमाग में घुसा हुआ है मेरे। मैं जब मुझे प्रॉब्लम आए, जिस तरीके का रोल मिला अगर बाई दी वे, तो मैं उसके पास जाऊंगा, उसके एक्शन को देखूंगा, दिन में क्या करती है, नौकर से किस तरह एटीट्यूड करती है, अपने कस्टमर से किस तरह एटीट्यूड करती है, देखूंगा जाकर। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर में अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे उस चीज को, तो फिर आप क्रिएट नहीं कर सकते कोई चीज। आपको कहीं ना कहीं से इंस्पायर होना पड़ेगा। आपको सुअर का रोल, पिग का रोल करने के लिए सुअर की एक्टिंग देखनी पड़ेगी, कैसे करता वो। सही में कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, सिर्फ एक्टिंग होती है। सही बात, वो चाहे नेगेटिव कर रहा हो चाहे पॉजिटिव कर रहा हो। जी पाठक जी, फिल्म या थिएटर आपके लिए अधिक प्रिय क्या है, और किस फिल्म निर्देशक के साथ काम करने में आपको ज्यादा संतुष्टि है? पूजा मिश्रा जी जानना चाहती है। देखिए पूजा जी, आज की तारीख में जहां तक निर्देशक की बात है, मैंने लगभग सारे निर्देशकों पर एक नजर दौड़ा चुका हूं। मैं आज के जितने भी निर्देशक हैं सारे मेरी उम्र से कम है, और हालांकि ये माने नहीं रखता है कि मेरी से उम्र से कम है तो उनके पास अनुभव नहीं होगा। नए लोगों के पास ज्यादा आइडिया होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, हम हमारी सोच से ज्यादा है। लेकिन नए नए लोगों में मैं अगर मानता हूं तो साउथ के जो है जितने भी डायरेक्टर हैं वो मुझे ज्यादा भाते हैं, क्योंकि उनका भी जो भी कंसेप्ट है, उनका जो भी कंटेंट होता है, बिल्कुल उनके मन मुताबिक होता है, और कैरेक्टराइजेशन भी उसी तरीके से होता है। तो मैं तो प्रभाकरण जी की पिक्चर ज्यादा लाइक करता हूं। मैं चाहूंगा प्रभाकरण ऐसा जो है कोई डायरेक्टर हो, सी रामचंद्र ऐसा डायरेक्टर हो जो मतलब हूबहू ला करके उतार कर रख दे। यहाँ के चाहे वो अनुराग कश्यप हो, ये हो, दुनिया हो, खुद एक्टिंग करना चाहते हैं, चाहे तिग्मांशु धूलिया हो, खुद एक्टिंग करना चाहते हैं। तो जब डायरेक्टर खुद एक्टिंग करने अपनी पॉपुलरिटी के लिए आगे आ जाता है, तो मैं उसे उस पर कमेंट तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से सही नहीं। एक डायरेक्टर को डायरेक्टर ही रहना चाहिए, और इनफैक्ट हमारी भाषा में डायरेक्टर डरा हुआ एक्टर होता है, जो एक्टिंग नहीं कर पाता वही डायरेक्टर बनता है। अच्छा, डायरेक्टर यानी डरा हुआ एक्टर। तो ओके पाठक जी, वर्तमान में हम जो अभिनय देखते हैं और जो पुराने कलाकार हैं उनके अभिनय, मतलब दोनों में अंतर क्या है? देखिए पुराने कलाकार जीते थे, और आज के कलाकार सुपर फ्लोअर्स हैं, वो जीते नहीं। आपको हाँ भाई कितना 50 करोड़ रुपए, ठीक है चलो, आ गए अक्षय कुमार जी, अपना उनको डायलॉग दे दिया गया, उन्होंने डायलॉग बोल दिया, काम खत्म हो गया। उसके अंदर क्या घुसना क्या है कंटेंट, क्योंकि सारी जिम्मेदारी राइटर्स की होती है। अब राइटर्स ने अगर कंटेंट ही अच्छा दे दिया है तो हीरो के लिए तो आसान हो गया भाई। अब इसे पैडमैन आ गई, एक इशू एक एपिसोड दे दिया, अब इसे कागज आ गई, कागज का जो कंटेंट है क्या है, ये कागज का कंटेंट ये था, कागज वर्ड जो पहले नहीं था, पहले कुछ और इसका नाम था, कागज वर्ड ये है कि एक आदमी को लोग मृतक घोषित कर देते हैं, मतलब उसकी जायदाद हड़प करके उसको कहते हैं मर गया। अब वो अपने आप को बेचारा जिंदा साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, नेताओं के पास जा रहा है, जिंदा उसको कोई कह ही नहीं रहा है, तो वो अनशन कर देता, बवाल कर देता, बाद में फिर चीफ मिनिस्टर से उस ऑर्डर को कैंसिल करता है, उसके खसरा खतौनी जो खाता होता है वो सब गायब हो जाता है। आज की दुनिया में भी इस तरीके के पता नहीं कितने लोग मृतक हैं, जिंदा हैं जिनको मृतक घोषित कर दिया गया है, लोगों ने उनके चाचा भतीजों ने उनकी जमीन कब्जा कर ली। तो इतना अच्छा कंटेंट था कि, और त्रिपाठी जी ने इसको निभाया भी बहुत अच्छी तरीके से, एकदम बिल्कुल मजा आ गया हमको साथ का। हम तो खाली मात्र 10 मिनट के लिए उसमें चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन भाई मजा आ गया इसमें। सारा दारो मदार पंकज त्रिपाठी के ऊपर, सतीश कौशिक डायरेक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आर्टिस्ट बढ़िया होता है डायरेक्टर का काम भी हल्का हो जाता है। ये तो है, तो वो खुद समझ जाते हैं कि क्या करना है, इस रोल का डिमांड क्या क्या है। आज की तारीख में मैं अगर किसी को एक्टर मानता हूँ तो पंकज त्रिपाठी को ही मानता हूँ, बाकी तो सब स्टारडम है ना। तो मैं कभी सलमान को मैं एक्टर मानता हूँ, ये सब यूं समझ लीजिए, अब यहाँ हम नहीं कह सकते।
पाठक जी, अभिनय की ट्रेनिंग के बिना आपको क्या लगता है कि क्या कोई सफल अभिनेता बन सकता है? जी अभिनय की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, बच्चा पैदा होता कोई जरूरत नहीं, बच्चा जब पैदा होता तो रोने लगता है, उसको कोई रोना सिखाता है क्या? है? अरे भाई, माँ पापा अंकल भैया, ये कौन सिखाता है? कोई सिखाता है? घर में सुनता है, वो जान जाता है ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं। अरे बच्चे को तो छोड़ दीजिए आप, एनिमल्स को जो पेट्स होते हैं वो भी सुनते सुनते उनको भी आदत हो जाती है। मेरा जो पेट है वो तो सुबह मैं शंख बजाता हूं तो शंख मेरे साथ बजाता है। कोई चीज सिखाने वाली नहीं होती है। हाँ, एक चीज एक्टिंग के अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, कुछ टेक्निकलिटी है, वो सीखने वाली चीज है। वो टेक्निकलिटी क्या है? स्टेज के ऊपर टेक्निकलिटी अलग है, कैमरे के सामने टेक्निकलिटी अलग है। सपोज कर लीजिए ये फ्रेम है हमारा, ये फ्रेम है हमारा। अब आप फ्रेम बहुत टाइट है, ये हमारा एक रेक्टेंगल फ्रेम है। अब आप अगर मूवमेंट ज्यादा लेंगे तो आप फ्रेम से बाहर हो जाएंगे। मूवमेंट ज्यादा लेंगे तो फ्रेम के, आपको अगर फ्रेम टाइट है तो फ्रेम के अंदर ही डायलॉग बोलना है, सारी चीज इसी के अंदर दिखानी है। आपको भी पता होना चाहिए कि कैमरे का फ्रेम कितना है, आपका लुक कहाँ जाना चाहिए। आपकी सारी दुनियादारी कैमरे का लेंस ही होता है, वही सामने वाला व्यक्ति होता है। तो क्लोजअप आता है तो आपकी आंखें बोलती हैं, चेहरा बोलता है, ये क्या नाम है, लिड्स बोलती हैं, चिक्स बोलते हैं, ओठ बोलते हैं, नाक बोलती है, कान बोलते हैं, बॉडी की हर चीज बोलती है एक्शन में। तो अब क्या है, इस फ्रेम के बाहर अगर आपने ऐसे चेहरा कर दिया, फ्रेम के बाहर कर दिया, तो आपका तो एक्शन खत्म हो गया, एक्शन तो चली गई। ये टेक्निकलिटी है, अभिनय सीखने वाली कोई चीज नहीं है। टेक्निकल सीखना जरूरी है कि कैमरे के सामने आपको कैसे क्या करना है, ये सीखने वाली, यही सिखाया जाता है एक्टिंग स्कूल में, यही सिखाया जाता है एक्टिंग स्कूल में। डायलॉग देखिए, आजकल के जमाने में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज एक्टिंग, ये कोई एक्टिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये आजकल की एक्टिंग, यही एक्टिंग। वो जमाने लद गए, अरे हो शाम आए, वो सब नहीं चलता। अब तो जैसे हम आपसे बात नॉर्मली कर, आप सीरियल में उठा के देख लीजिए, हालांकि नए नए लोग आते हैं ठीक से कर नहीं पाते हैं, जो किरदार दिया जाता है वो कर नहीं पाते हैं, काम चलाया जाता है, पैसा कमाना इसलिए काम चलाते हैं। लेकिन जो सही मायने में जो एक्टिंग करता है तो बिल्कुल आजकल नेचुरल एक्टिंग जरूरत है, जरा भी सुपर फोकस नहीं होना चाहिए, नेचुरल एकदम। एक बच्चा जिस तरीके चिल्ला के माँ से दूध मांगता है, एक भिखारी जैसे लोगों से कहता है बाबू, वो करता है, वो नेचुरल होना चाहिए। आजकल नेचुरलिटी की जरूरत है, आजकल वो ओवर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। और ये गॉड गिफ्टेड होती है। पूजा जी घर में खुद ही एक्टिंग करती होंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूं। एक्टिंग करती है, सही है, सही है। पता नहीं, अगर मैरिड होंगी तो हस्बैंड से लड़ती होंगी, बच्चे को कपड़े पहनाती होंगी, ठीक से पहन, नाक पोछती होंगी, स्कूल भेजती होंगी, पढ़ाई कराने के लिए डांटती होंगी, ये सब एक्टिंग ही तो है। सही में पाठक जी, एक्टिंग, चूंकि हम लोग एक्टिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक कौन सा किरदार, मतलब मैं रंगमंच, छोटे बड़े पर्दे सबको मिला करके कह रही हूँ, कौन सा किरदार जो भी आपने अब तक निभाया है आपके दिल के सबसे करीब है? मैं ज्यादा पॉलिटिकल करेक्टर को ज्यादा अपने दिल के करीब मानता हूँ, मजा आता है। हमारी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो पॉलिटिकल लीडर की है, लीड करने अच्छा। की मेरी आदत है। ओके ओके, मतलब यू आर अ बॉर्न लीडर, आपके चरित्र में ये खासियत है कि आप यू। जी हाँ, मतलब पॉलिटिकल कैरेक्टर, हाँ पॉलिटिकल कैरेक्टर, पॉलिटिकल लीडर्स के जो कैरेक्टर हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, केवल नेगेटिव। ओके ओके ओके, करेक्ट। तो इसी के साथ दर्शकों का ये सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होता है। मिस्टर गांगुली इंतजार कर रहे हैं बैक स्टेज में, मैं उन्हें बुला लूं। यस मिस्टर गांगुली, या आई लव दैट वर्ड व्हेन पाठक जी सेड दैट मेरे में आई हैव अ लॉट ऑफ रंग इनसाइड मी एंड द मंच इज क्रिएटेड व्हेरेवर आई गो, दैट वाज वेरी नाइसली सेड एंड दैट्स That's the, you know, like the biggest and the most deepest realization which I could feel, that when we call Mr. Ramesh Chandra Pathak a complete
performer, a complete artist. You know, the passion is the rung, the expression is the rung, and anywhere is the stage. And he very rightly said, right from the birth of a child till the end, you know, while you, even after death, you know, when the corpse is taken by people, Harinam hote hote, you know, the corpse is taken. Till then, the manch is your stage. And it's the entire life which is your stage. Har vakt aap abhinay kar sakte hain. Har vakt aap, aapka jo rang hai, wo share kar sakte hain. Fantastic, Pathak ji, hum log itna inspired hoi, mane we are, you know, beyond any words to express what kind of versatile personality Mr. Ramesh Chandra Pathak is. And Takes and Talks is extremely honored to have you with us. I'm sure the ones who have watched this and YouTube mein ye hum log dal denge pura episode. So, you know, like a lot of other people who would like to be like you, who would like to be a complete actor, who would like to express their rung in any kind of manch, they would positively see and iska maja positively lenge. Thank you once again. Back to Sharmishta. थैंक यू मिस्टर गांगुली. मैं एक बार फिर से पाठक जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने कार्यक्रम में शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद. और हम उम्मीद करते हैं कि ये थिएटर का वायरस आजीवन आपके साथ बना रहे और आप छाए रहे रंगमंच पर और जहां जहां जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप अभिनय कर रहे हैं, आप आजीवन छाए रहे. उम्मीद है आपको भी काफी अच्छा लगा होगा हमारे कार्यक्रम में आकर के. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी अप्रिशिएबल एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कॉलिंग मी बिफोर योर मैजेस्टी एंड आई हैव गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट थिएटर एंड बॉलीवुड. वी आर रियली ऑनर्ड पाठक जी. अब खत्म करने से पहले, कार्यक्रम अंत करने से पहले हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि डियर व्यूअर्स, टेक्स एंड टॉक्स इज योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म. तो इफ यू आर हैविंग एनी सच इंस्पायरिंग स्टोरी, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद अस. फॉर डिटेल्स प्लीज टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.